रावण एक बात से बड़ा अच्छा मुझे लगा था, यह तो उसमें बहुत कमियां थी। विभीषण उस मंदिर के पुजारी थे, लंका के मंदिर के। रावण हमेशा यही कहता था कि हमारे कुल में तुम ही तो छठे हो, तू मेरा अनुज है, तू मेरा भाई है, जो मैं करता हूं उसे तू कभी भी मत करना। ये उसके शब्द थे। यदि तेरे पास सदगुण होगा तो तुझे साधु के पास नहीं, साधु तेरे पास आएगा। और उसकी सही बात थी, हनुमान उसके यहां चल करके आ गया। वो बोलता था कि मुझे दुर्गुणों ने गिर लिया है, उसने कबूल किया है। वो तो अपनी बहन के सामने बोला था रो रो के। वो सुपर्ण खां जब आई थी नाक कान कटा के, उसने पूरी बात बताई तो रावण रो रहा था और कहता है, होइए भजन तामस दिया, क्या करूं शरीर तामसी प्रवृत्ति, इसमें ऐव आ गए, दुर्गुण आ गए, इसमें जीवन बिगड़ गया, खत्म हो गया। यदि बढ़िया सुधरा हुआ आदमी होता, परमात्मा के चरण पकड़ करके मैं चरण उदक लेता, मेरा कल्याण होता। लेकिन मैं कुछ ठीक नहीं कर पाया, भला नहीं कर पाया, मैंने अपने आहार को, मैंने अपने विचारों को बिगाड़ लिया। और वो विभीषण को हमेशा यही कहता था, मेरे दुर्गुणों से सदैव बचना, ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं।